भारतीय महिला टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। भारतीय टीम की उम्मीदें पाकिस्तान की जीत पर निर्भर थीं, लेकिन पाक टीम को न्यूजीलैंड ने एक तरफा मुकाबले में 54 रनों से मात दी। न्यूजीलैंड की महिला टीम का दबदबा पाकिस्तानी टीम पर नजर आया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 110 रन बनाने वाली कीवी टीम ने पाकिस्तानी टीम को महज 11.4 ओवर में ही 56 रनों पर समेट दिया। न्यूजीलैंड की ओर से एमेलिया केर ने 3 विकेट चटकाए। भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट 16 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। 24 अक्टूबर से पुणे में दूसरा टेस्ट होगा, जबकि सीरीज का तीसरा टेस्ट 1 नवंबर को मुंबई में खेला जाएगा। WTC रैंकिंग में टॉप पर टीम इंडिया काबिज है। बांग्लादेश पर क्लीन स्वीप करने के बाद रोहित शर्मा की नजरें न्यूजीलैंड की तरफ हैं। न्यूजीलैंड को 3-0 से हराकर WTC रैंकिंग में भारतीय टीम अपनी जगह पुख्ता करना चाहेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय कोच गौतम गंभीर ने विराट कोहली पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विराट के अंदर रनों की भूख है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वे खूब रन बनाएंगे। एग्रेसिव क्रिकेट पर गौतम गंभीर ने कहा, चाहे स्कोर 100 रनों का हो या कितने भी रन पर टीम ऑल आउट हो जाए, लेकिन हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ेंगे। BGT से पहले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने गौतम गंभीर को बताया खतरनाक कोच। उन्होंने कहा कि डगआउट में बैठकर गौतम गंभीर बनाते हैं विरोधी टीमों के खिलाफ प्लान। गौतम गंभीर के मेंटरशिप में कोलकाता नाइट राइडर्स से खेल चुके हैं मिचेल स्टार्क। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मिचेल स्टार्क पर रहेगी गौतम गंभीर की नजर। रणजी ट्रॉफी के एलीट राउंड में बड़ौदा ने पूर्व चैंपियन मुंबई को हरा दिया। बड़ौदा ने मुंबई को 84 रनों से शिकस्त दी। बड़ौदा के लिए भार्गव भट्ट ने दोनों पारियों में 10 विकेट लिए। मुंबई के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दोनों पारियों में केवल 41 रन बनाए। बड़ौदा के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने दोनों पारियों में महज 30 रन ही बनाए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच मुल्तान में 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 1 पारी और 47 रनों से मात दी थी। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ब्रैड हॉग ने बाबर आजम पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बाबर और विराट कोहली की खराब फॉर्म को लेकर बात की। ब्रैड हॉग के मुताबिक विराट कोहली के खराब फॉर्म का भारतीय क्रिकेट पर बुरा असर नहीं पड़ा। बाबर की खराब फॉर्म से पाकिस्तानी टीम का हाल बेहाल है। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान हो गया है। 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। सीरीज में कप्तानी पैट कमिंस ही करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 4 नवंबर से 10 नवंबर तक खेली जाएगी। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श को 14 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया है।